छोटी मार्केट, छोटी मार्केट, छोटी मार्केट। क्या हुआ इतनी सवेरे? वो छोटी मालकिन वहाँ दो लाशें। लाश? हाँ मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। देखिए आंखें खुल गई, जिंदा है। आप तुम कौन है और यहाँ कैसे? जानते हो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रहेंगे? जैसा तुम सोचते हो वैसा आसान काम नहीं है ये। तुम दोनों की तकदीर अच्छी थी इसलिए तुम दोनों स्त्रियों के हाथों से बच गए। यही कहीं हमारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दीजिए ना। आफत में पड़ जाओगे, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। अगर किसी ने पूछा तो कह दूंगी मेरे रिश्तेदार हो। क्यों भैया, मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर नौकरी का इंतजाम हो जाता है तुम अकाउंट के कामकाज में मेरी मदद करो। मैनेजर की एक जगह खाली है और तुम ज्वाइन करके मेरी मदद कर सकते हो। क्यों प्रिया, अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? आप पर मुझे भरोसा है, पत्ती पर नहीं। अरे क्या हो रहा है? अनूप तुम इस कमरे में सो जाओ और प्रिया नीना बाई के कमरे में सो जाएगी। ओ क्या है निजी? फिलहाल यही ठीक है शादी होने तक। देखिए हमारी शादी मंदिर में हो चुकी है। यानी कि तुम दोनों ने शादी कर ली, यही कहना चाहते हो ना? है ना? पहले कानूनी शादी होने दो, उसके बाद तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, ठीक है ना मैंने? दीदी मैं आज नहीं आऊंगी। कितना मजा आएगा जानती है? आजा ना प्रिया, चल मेरे साथ चल। जानती है प्रिया, हफ्ते में एक बार ही मुझे नहाने का मौका मिलता है झरने में, लेकिन मुझे बाहर नहाने की आदत नहीं है। ओह प्रिया, मुझे अब याद आया, आज शनिवार है, मुंशी जी हिसाब किताब देने आएंगे। अलमारी में पैसे रखे हैं,
निकल के आती हूँ, ये दे देना। अच्छा दीदी। पगली महानी से डरती है। मैं जाके पानी पियाती हूँ। फटाफट आना, एक और गेम खेलना है। आनी दीदी, मेरे आने से पहले से अच्छा नजर दिखाना जरूर। चोट लगी क्या? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ आनी दीदी को? अनुप पत्थर लगकर पैर फिसल गया, हल्की सी मोच आई है। एक और, अब तो ठीक हो ना? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, लगता है घुटने में खुरंच आई है। मैंने कहा ना, मैं एकदम ठीक हूँ, आज का खेल यही खत्म कर दो। हेलो, रिया की डैडी को फोन पे बुला दीजिए। देखिए, आपकी बेटी रिया स्वर्णगिरी एस्टेट में है, कल ठीक 12 बजे आप यहाँ आकर उसे ले जा सकते हैं। इतना जान लीजिए, वो सही सलामत है। कल प्रिया के पापा आने वाले हैं, उनके आने तक प्रिया और अमित को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? ये गुना मत करो। क्या मेरी बात तुम समझी? हाँ। अंदर आओ। क्या गलती है? क्या मुझसे बातें करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हनी जी, मैं जिंदगी में मैंने जिसे भी चाहा वो ही मुझसे दूर चला गया। कहीं कोई गड़बड़ हुई है? जानती हो अनु, जब से मैंने तुम्हें देखा मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही तुम हो। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। हनी जी, मैं देखो अनु, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं मर जाऊंगी। हनी जी, ऐसा मत बोली। जनती जन्म की सजा भुगत रही हूँ, कोई मुझे नहीं चाहता। किसने कहा? क्या कोई नहीं चाहता? नो नो, मैं कैसे विश्वास करूँ? सच बोल रहा हूँ मैं। प्रिया के डैडी स्टेट में आए और साथ लेकर गया। पहले तुम्हें अपना दुश्मन समझता था मैं, फिर तुम दोनों का प्यार देखने के बाद मेरे दिल को तसल्ली मिली। कोई भी जुदा नहीं कर सकता है तुम दोनों, कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अनिल जी, बोलो मुझसे, तुम्हारी चाल में गाज गया हूँ। अनूप, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ मैं। अनूप, गाड़ी संभाल के चलाओ। किसी को नहीं दिलो जान से पहले।